चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के आवाम के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी खबर है। वहाँ चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तकरीबन 2000 गरीबों के लिए मकान बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। आज जमीर अहमद खान ने स्लम बोर्ड की मीटिंग में, विधानसभा में जो मीटिंग मौजूद थी उस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने मुतालबा किया कि पिछले 3 सालों से स्लम बोर्ड में तकरीबन 17 स्लम जो इलाके जो हैं यहाँ चामराजपेट में आते हैं वहाँ पर 3 सालों से कोई भी रकम जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से यहाँ कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है। इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ रकम जारी करें और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए, इसका उन्होंने मुतालबा किया। साथ ही साथ सबसे अहम मुतालबा उन्होंने किया है, एक मंसूबा बनाया है 2000 मकानात का। उन्होंने मुतालबा किया है कि 2000 मकान इन स्लम बोर्डों में, स्लम इलाकों में बनाए जाएं ताकि गरीब और मुस्तहक लोगों को रहने के लिए छत मिल जाए। इस मंसूबे को उन्होंने हाउसिंग मिनिस्टर सोमन्ना से उन्होंने बात की और इसे मुतालबा उन्होंने दिया। साथ ही साथ उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से किन इलाकों में इन मकानात को बनाया जा सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने खुद कहा है कि क्या बातचीत हुई और किस तरह से यह मंसूबा है। आइए जानते हैं जमीर अहमद खान क्या कह रहे हैं। आज स्लम बोर्ड की मीटिंग थी हमारे चामराजपेट हल्के को लेकर। हमारे इधर लास्ट 18-19 के अंदर 640 पोराट स्लम बोर्ड में घर सेंक्शन हुए थे, यानी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। उसके अंदर अनकम्प्लीट होके काम रुक गया था, वजह उसकी स्लम बोर्ड वाले पेमेंट नहीं दिए थे। वजह उसकी क्या है, अब जो इनिशियल पेमेंट बनने का था वो इनिशियल पेमेंट नहीं बनने की वजह से थोड़ा पेंडिंग हुआ था। अभी हम मीटिंग करके इनिशियल पेमेंट का जो था माइनॉरिटी का जो घर जो है उनका जो इनिशियल पेमेंट बना था, जब मई मिनिस्टर था, जब भी 1 करोड़ रुपये सेंक्शन करके 1 करोड़ रुपये दिया था माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। अभी सोमन्ना ने क्या किया, स्लम बोर्ड से 5 करोड़ रुपये माइनॉरिटी को देता हूँ करके वादा करके जो जनरल जो है उनको 1.5 लाख रुपये बनना, उसके अंदर 75,000 इनिशियल पेमेंट बनने का था, उसके अंदर 1 करोड़ रुपये मई दिया था, 5 करोड़ रुपये मिनिस्टर बनता हूँ करके वो कबूल लेके वो बनते करके बोले। अभी हाल ही के अंदर पेमेंट रिलीज करके काम शुरू करते करके बोले। हमारी एरिया के अंदर स्लम्स बहुत है। स्लम्स के अंदर क्या है, BBMP की जगह है वो। अभी BBMP भी मेंटेन नहीं कर रहे, स्लम बोर्ड वाले भी मेंटेन नहीं कर रहे। जो 10 स्लम जो है हम BBMP से हमने स्लम बोर्ड को हैंड ओवर करो करके रिक्वेस्ट किया, उन्होंने वादा किया कि 10 दिन के अंदर हम लोग स्लम बोर्ड को हैंड ओवर करेंगे करके। उसके साथ में हक पत्रा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हक पत्रा नहीं दिया गया। अभी हमारा गिरीपुरा करके एक एरिया है उसका हक पत्रा रेडी है, वेंकटराम नगर हट्स करके उसका हक पत्रा रेडी है। ये आनंदपुरा का एक हक पत्रा नहीं दिया था, उसका क्या है, ओनर को कंपोजिशन नहीं दिया था वो 2001 के अंदर। उन लोगों को खाली कंपोजिशन जो है 70 पर 1 लाख रुपये सेंक्शन हुआ था, तो उन लोग माने नहीं, स्क्वायर फीट के हिसाब से 500 रुपये दो करके बोलने से पेंडिंग पड़ा था। आज मिनिस्टर से मैंने गुजारिश किया, मिनिस्टर ने स्लम बोर्ड कमिश्नर को डायरेक्शन दिया इमीडिएट ओनर लोग को बुला के सेटलमेंट करके 25 तारीख तक आनंदपुरा का भी जो है हक पत्रा का इंतज़ाम कराओ करके उन्होंने डायरेक्शन दिया है। उसके साथ में और एक 2000 घर हमारे स्लम बोर्ड का सेंक्शन कराने के लिए मैं अर्जी दिया था, उसके अंदर 1000 घर करता हूँ करके बोले। और स्लम डेवलपमेंट के लिए हमारा लास्ट 2 साल से कोविड आने की वजह से ग्रांट नहीं दिया गया था, तो मैंने 20 करोड़ रुपये ग्रांट माना था, उसके अंदर 10 करोड़ रुपये ग्रांट दिए गए।